आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कोई सोनोमीटर वायर है जिसकी फ्रीक्वेंसी में दे रखी है f, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी f by 2 हो जाती है जब हम जिस मास से उस वायर में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उस मास को अगर हम वाटर में इमर्स कर देते हैं, ठीक है, और अगर हम इसी मास को किसी और लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो फ्रिक्वेंसी एफ बाई 3 हो जाती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, ठीक है। तो इस केस में हो क्या रहा है, पहले हम वो समझते हैं कि मान लो ये हमारा कोई वायर है, ठीक है, इससे कोई हमारा मास ऐसे हैंग हो रखा है, तो इस मास की वजह से इसमें टेंशन आएगा ऊपर, उस टेंशन की वजह से फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हमें पता है इसकी लेंथ तो सेम है, ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट टी की, जो टेंशन इसमें आएगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जब लैम्डा सेम रहेगा क्योंकि लेंथ सेम है तो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टी की, यानी जैसे जैसे टी वेरी करेगा वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी। तो इसमें क्या है, पहले तो हवा में ऐसा ही है, हमने क्या कर दिया, किसी वाटर में रख दिया, ये इमर्स कर दिया वाटर में, ठीक है। तो पहले जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था एम जी लग रहा था, एम जी यानी कि इसका रो, बॉडी का रो, और बाकी इसका वॉल्यूम और जी, ठीक है। तो पहले टी वन क्या था, टी वन इक्वल टू रो वी, ठीक है, वी वी और जी, लेकिन अब क्या हमने इसमें वाटर लगा दिया, यानी कि पहले तो ऐसे ही एयर में था जो भी हमारा मास है, अब ये वाटर में इमर्ज कर दिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर का एक फोर्स लगेगा जिसे हम बेयोन्सी फोर्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, रो वाटर वी वी इंटू जी, तो ये पूरा टी टू आएगा वो कम हो जाएगा, टी टू की वैल्यू क्या आएगी, टी टू इज इक्वल टू इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस, यानी कि ये वी वी जी कॉमन हो जाएगा, रो बी माइनस रो डब्ल्यू, ठीक है। और तीसरे केस में क्या किया हमने, इसके लिक्विड इस वाटर को बैठा के कोई और दूसरा लिक्विड लगा दिया जिसकी हमें डेंसिटी पता नहीं है और जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है, तो टी थ्री क्या हो जाएगा उसके केस में, वी वी इंटू जी और जो रो है वो वी माइनस रो लिक्विड, कोई जो हमारे लिक्विड जिसका हमारा बना हुआ जो हमारे लिक्विड की डेंसिटी है वो वाली, ठीक है। वो तीनों टेंशन की वजह से ये फ्रिक्वेंसी हमारी बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है, फ्रिक्वेंसी का चेंज देखना है, उसके हिसाब से हमें इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो मान लो ये एफ वन बाई एफ टू है तो इनका रेशियो क्या आएगा, टी वन बाई टी टू, ठीक है। और अगर मैं इनकी वैल्यूज रखूँ अगर, तो मुझे क्या मिलेगा देखने को, कि ये बन जाएगा मेरा टू, क्योंकि एफ टू की वैल्यू एफ वन बाई टू है, इनमें अगर वैल्यू रखूँगा टी वन की तो टी वन की ये वैल्यू आएगी जिसमें से ये वाली वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाएगी वी वी, यानी बचेगा क्या, रो बी अपॉन रो वी माइनस रो डब्ल्यू, ठीक है। और इसे और कैलकुलेट करूँगा अगर मैं आगे इसका स्क्वायर कर दूंगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, रो बी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री रो डब्ल्यू, ठीक है, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं एफ थ्री के लिए भी इसे सॉल्व करूँ इन दोनों को, तो इसमें भी हमारी कुछ वैल्यू आती है, वो क्या आती है, अगर मैं इन दोनों के लिए सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं इसके टर्म में निकालनी है, हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर टी टू टी वन बाई टी थ्री रखूँ और ये सॉल्व करूँ इस तरीके से, तो इसकी भी वैल्यू आती है, वो क्या आती है हमारी, ये आएगी एट बाई नाइन रो बी इज इक्वल टू रो लिक्विड जो हमने निकाला है, ठीक है, ये आता हमारा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ बी के टर्म में वाटर के, क्योंकि हमारे जो आंसर क्वेश्चन पूछा हमसे क्या पूछा है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, ठीक है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है, किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, वाटर की डेंसिटी से, यानी कि पहले से हम चेंज करना पड़ेगा, रो एल इज इक्वल टू एट बाई नाइन, रो बी की ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो इंटू फोर बाई थ्री रो डब्ल्यू, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रो एल बाई रो डब्ल्यू, किसी भी लिक्विड की अगर रिलेटिव डेंसिटी देखनी है तो उसे डिवाइड कर देते हैं हम वाटर की डेंसिटी से, यानी हो गया हमारा 32/27, ठीक है, ये हमारा आंसर है। और अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 1.18, यानी रिलेटिव डेंसिटी इस लिक्विड की हो गई 1.18, तो हम देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है, तो इसमें हमारा ये डी ऑप्शन सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।